भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। उद्धव मेरा गहरा दोस्त था, मतलब ऑलमोस्ट रोज मैं उद्धव राज ऐसे हमारा ये था बैठते थे, मैं राज बैठता था। 7 साल तक मैं बाला साहब का, संजय राउत जो अभी काम करता है आगरे लिखने का, 7 साल मैंने किया बाला साहब का, रोज उनके साथ बैठ सकता था। इसके साथ कहाँ अभी वो बनने के बाद कुछ कम्युनिकेशन है, एक बार भी नहीं। एक बार दिखाई दिया हाथ ऐसा किया, संजय राउत से मेरी रोज बात होती है, सोने से पहले और जागने के बाद मेरी संजय राउत से रोज बात होती है। अभी भी मेरे को ऐसे कितने सीक्रेट मालूम रहते हैं कि जो मैं बता दूं तो ये खेल पलट जा सकता है। लेकिन संजय राउत तो बाहर के लिए बहुत, बाहर के लोग जो बात कर रहे हैं ये ज्यादा मुखर रहते हैं, हर सब्जेक्ट पे बोलते हैं, ऐसा है? लगता है कि यही खाई कर रहे हैं। ये भारत की तस्वीर, इसके आप ओनर है या रिप्रेजेंटेटिव? संपादक हूं, एडिटर हूं। एडिटर हूं, इसका मालिक कोई है? मालिक, हाँ हाँ। वो मालिक अगर आपको बोलता है कि अनिल थत्ते का इंटरव्यू मत दिखाओ ये सुनने के बाद, तो आप क्या करेंगे? दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते ना, उसका चैनल है, वो बोलेगा। कल अगर वो बोलता है कि अनिल दत्ते जो बोल रहा है, आग में तेल डालो, घी डालो और बढ़ाओ, धमाल करो, टीआरपी बढ़ने दो, तो आप क्या करेंगे? मुझे और टेढ़े सवाल पूछेंगे, मैं और टेढ़े तीखे जवाब दूंगा, फिर बढ़ेगा। संजय राउत क्या है? लाउड स्पीकर है, भोंगा है, अभी चल रहा है भोंगा भोंगा। माइक 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 कौन है? माइक उद्धव है। उद्धव को जो बोलना नहीं है यार, राउत से बुलाते हैं, राउत से बुलाता है। यही तो हर एक प्रवक्ता वक्ता क्या होता है, वक्ता पीछे रह के प्रवक्ता को आगे करके बोलते हैं। संजय राउत कभी ऐसी क्या बात बोलता है जो उद्धव को पसंद नहीं है? कभी बोलता है? नहीं बोलेगा ना। लेकिन अभी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाद में चल के राउत साहब को जो बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे जब विचार करेंगे तो लगेगा उनको कि कुछ गड़बड़ियां तो हुई, कुछ तो बातें हुई। क्योंकि ऐसा है कि शिवसेना में जैसे आपने कहा काफी वरिष्ठ लोग हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ संजय राउत ही फ्रंट पे हैं। बहुत से वरिष्ठ नेता हैं जो आज दिख नहीं रहे हैं शिवसेना के सामने, होना होने चाहिए था, क्योंकि बाला साहब नहीं है तो उद्धव ठाकरे की मदद के लिए होना चाहिए था, आज वो कड़ी एकदम से जीरो हो गई है सर, वो दिख नहीं रहा है, कहीं इसी वजह से है कि संजय राउत। मैं पुणे में शनिवार वाला है वहाँ पे गया था, उसका एक बड़ा दरवाजा था, तो दरवाजे के ऊपर वो ऐसे नुकीले खिले लगाए हुए थे, बहुत सारे 200-500 खिले लगाए हुए थे। मैं बोला ये दरवाजे के ऊपर ये नुकीले खिले क्यों लगाए? वो बोले क्या होता था पहले के ज़माने में, जब युद्ध छिड़ता था तो हाथी छोड़ दिए जाते थे, उनको नशा किया जाता था और उनको टक्कर मारने के लिए छोड़ दिया जाता था, तो वो जाके टक्कर मारते थे दरवाजे पर। तो हाथी को टक्कर मारने से रोकने के लिए या तो जख्मी करने के लिए या पीछे ये करने के लिए ये नुकीले खिले लगाए जाते थे, मगर हाथी को भान नहीं होता था। एक बार पीछे से माउत ने उसको टक कर दिया और उसमें नशा आ गया तो वो जाके पूरा रक्त लांछित हो जाएगा उसका मस्तक, शायद टूट भी पड़ते थे कितने हाथी तोड़ते तोड़ते। क्या है ना, ये जो प्रवक्ता है ना, उनको जो उनके वक्ता या अधिवक्ता या जो जो सूत्रधार रहते हैं ना, वो ऐसा छोड़ देते कि जा तू, बदनाम हो, बदनाम हो, खलनायक। अभी अभी मैं देख रहा था संजय राउत खलनायक, अरे क्या संजय राउत खलनायक,